हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मस्त हैं? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे और हमारा वीडियो आज देख रहे होंगे। ठीक है, अब हुआ क्या है, हम आज आप लोगों को एक नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या? अर्थमेटिक मैथ का, अंक गणित का पहला टॉपिक क्या है हमारा? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, हुआ क्या है, नंबर सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सीरीज तो चलती रहेगी, वो वीडियो आएगा आपको, वो बेसिक है, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब हुआ क्या, कुछ बच्चों की डिमांड की वजह से हमको ये वीडियो लाना पड़ रहा है। हुआ क्या, उन लोगों का कहना है सर थोड़ा अंक गणित भी पढ़ाते रहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए सिलेबस का भी एक, वो भी तो सिलेबस का पोर्शन है, ये भी सिलेबस का पोर्शन है। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात इसको हम लोग शुरू करते हैं आज से। आज हमारा पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट नंबर जीरो। कॉन्सेप्ट नंबर जीरो क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ये एकदम बेसिक बेसिक है, जिनको कुछ भी नहीं आता है अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, एकदम सब कुछ मैं बेसिक से लेके आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो घबराइए ना, आप बेफिक्र होकर के लगे रहिए और देखिए शुरू से लेकर के अंत तक लगे रहिए, आपको मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि हाँ वाकई में आज मैंने बेसिक के बेसिक पॉइंट, सॉरी रेशियो के बेसिक पॉइंट आज हमने सीखा, और कैसे सीखा वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ अभी जस्ट कहीं तुरंत। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, अनुपात और समानुपात। देखते हैं अनुपात और समानुपात होता क्या है, इसका यूज कितना है हम लोगों का, और कहाँ कहाँ कब तक यूज करते रहेंगे। तो देखिए अनुपात समानुपात पूरे अंक गणित का एक क्या है, रामबाण है। अगर आपको अनुपात समानुपात अगर आपका क्लियर हो गया, समझ रहे नहीं, अनुपात समानुपात अगर आपका क्लियर हुआ तो समझ लीजिए कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जितने भी टॉपिक है अर्थमेटिक के, बहुत आसान दिखने लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कि अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर करना है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका अनुपात समानुपात इतना अच्छा क्लियर कर दूंगा कि आप बोलेंगे कि हाँ मज़ा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये न पूछिए कि एग्ज़ाम में कितना आएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा कितना, क्या पूरा आएगा, जितना अंक गणित से क्वेश्चन बनेंगे सब इसी से ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि अनुपात समानुपात का हर जगह यूज है पूरे अंक गणित में, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिनको अंक गणित और अंक गणित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, जान लीजिए जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हर जगह आपका अनुपात समानुपात आता है, ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं जिसमें नहीं आता हो। ठीक, तो आपको बहुत ही मन लगा करके पढ़ना है इस टॉपिक को, जिसका नाम है क्या, अनुपात और समानुपात। ठीक, तो देखो भैया आपको तो पढ़ना ही होगा। तो अनुपात समानुपात होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं अनुपात क्या होता है। ठीक है, अगर आप अनुपात जान गए तो क्या होता है, आप सब कुछ जान जाएंगे। अनुपात मतलब होता है रेशियो, आप किसी को किसी से जब तुलना करते हैं, समझ रहे कि नहीं, आप अपने घर में किसी से तुलना करते हैं, कोई आपसे तेज है तो ये भी तुलना करिए यार मुझसे बहुत तेज है, कोई आपसे ज़्यादा पैसे वाला है तो बोलते हैं ना कि वो मुझसे बहुत पैसे है, क्या कर रहे हैं ये कंपेयर कर रहे हैं। और आप कभी भी सोचते हैं यार वो बहुत सुंदर लग रहा है, मैं तो सुंदर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, कंपेयर करना। जब आप किसी से जलन करने लगते हैं तो क्या होता है, वो कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, तो इस बात को बुरा ना मानिएगा, बस ऐसे मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे बोल दिया। ठीक है, लेकिन होता क्या है असलियत में, रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, कोई दो वस्तु हो, चाहे आदमी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, समझ रहे नहीं, जो कुछ भी हो उनके बीच में जो रेशियो रिलेशन होता है क्या शो करता है, वो हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अदर क्वांटिटी, यानी कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या साइज में है, इस तरह से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, वो अनुपात होता है। समझ रहे हैं, तो अनुपात का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि किसी दो चीज़ों को आप कंपेयर करिए, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, ये सब क्या बताता है, अनुपात बताता है। ठीक, ये समझ में आया। अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला ए को बी से कंपेयर किया, अगर मैं ए को बी से कंपेयर करूँगा तो क्या हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है, ए छोटा हो सकता है, ए बी से बराबर हो सकता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, इक्वलिटी में। अगर मैं ए को बी से कंपेयर करूंगा तो ए का किससे कंपेयर किया, बी से, तो ए का अनुपात बी से क्या हुआ, ये मतलब हुआ। समझ रहे हैं, अगर हम किसी को किसी से कंपेयर करूंगा तो या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, इस चीज़ को लेकर के हमने क्या किया, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, इनइक्वलिटी में।
मैथमेटिकल इंडक्शन इनक्वालिटी में, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या अनुपात, किसका क्या किससे अनुपात होता है। जैसे मैंने बोला 20 रुपए का 30 किलोमीटर से अनुपात क्या होगा, समझ रहे हैं। अच्छा, अनुपात भी किया जाए, किसी को किसी से अगर कंपेयर भी किया जाए तो कैसे कंपेयर करेंगे, क्या आदमी को किसी जानवर से कंपेयर कर सकते, बोलिए नहीं। तो कंपेयर सेम यूनिट में करना होगा, आपको अगर किसी से कंपेयर करना है तो सेम यूनिट में करना होगा, समझ रहे हैं। अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं। यानी कि 20 रुपए को अगर हम 30 किलोमीटर से कंपेयर करेंगे तो क्या कभी अनुपात बनेगा, बोलिए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम रुपए को किलोमीटर से कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, बोलिए रुपए को किलोमीटर से कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, मात्रक, यूनिट मतलब होता है मात्रक, मात्रक सब क्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो क्या ये अनुपात निकालना पॉसिबल है, नो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में अनुपात के लिए क्या कि सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। पहली बात, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ये पता होना चाहिए, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। दो पॉइंट अगर आप दिमाग में रखे हैं तो आप अनुपात निकाल सकते हैं। पहला क्या, सेम यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट मतलब हुआ कि समान जात के लोगों से ही कंपेयर करना है आपको। अगर आपको कि रुपए किलोमीटर से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट जात के हो गए, यानी ये डिफरेंट मात्रक हो गए, अलग अलग मात्रक हो गए, अलग अलग यूनिट हो गए, इसलिए हम 20 रुपए को 30 किलोमीटर से अनुपात नहीं बना सकते। ऐसा ना कर दीजिएगा 20/30 रुपए और बटे किलोमीटर, तो क्या होगा। अब हमने बताया अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, अब बताइए इसको इससे जब कंपेयर करेंगे तो रुपए बटे किलोमीटर आएगा, अब रुपए बटे किलोमीटर किसका मात्रक होता है, होगा किसी को होगा, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, समझ गए नहीं। अनुपात जो होता है ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ बताते हैं। अब जैसे मैंने बोला 5 रुपए को 800 पैसे का अनुपात बताइए, 5 रुपए और किसका अनुपात, 800 पैसे का अनुपात, 5 रुपए का 800 पैसे से अनुपात बताइए। अब बताइए क्या हम इनको सेम यूनिट में बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्या ये अभी सेम यूनिट में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रुपया है, यहाँ क्या है, पैसा है। तो क्या करेंगे हम अनुपात निकालने के लिए, क्या करेंगे, रुपए को पैसा में बदलिए या पैसे को रुपए में बदलिए, तभी अनुपात निकाला जा सकता है, ठीक। तो चलिए अब हम करते हैं। अब बताइए 5 रुपए को पैसे में बदलना आसान है कि 8 पैसे को रुपए में बदलना आसान है, दोनों आसान है, दोनों तरीके से हम लोग करते हैं। क्यों, यहाँ पैसे पैसे हो जाएगा तो पैसे पैसे कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, यहाँ रुपया हो जाएगा तो रुपये रुपये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, समझ रहे नहीं। तो अनुपात की ये दो चीज़ें आप याद कर लीजिए, सेम यूनिट में कंपेयर करते हैं और उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। तो चलिए 5 रुपए को किससे कंपेयर करेंगे, 8 पैसे से, क्या ये कैंसिल होगा, नहीं। तो जब 8 पैसे से कंपेयर किया तो कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब 1 रुपए में आप जानते हैं क्या होता है, 100 पैसा होता है, तो 5 रुपए में कितना हो जाएगा, 500 पैसा, अब बटे क्या है, 800 पैसा, यहाँ क्या है 800, बटे 800 पैसा हो गया, पैसा पैसा कैंसिल, 00 कैंसिल, क्या आ जाएगा 5/8। इसका मतलब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं, और जिसका अनुपात निकाल सकते हैं यानी कि हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो हुआ क्या, 5 रुपए को 800 पैसे का अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 5/8 आएगा, समझ में आए। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से करूं तो क्या करूंगा, यहां लिख दिया 5 रुपए, इसका अनुपात निकालना है 800 पैसे से, ठीक है। अब बताइए, अब मैं 800 पैसे को रुपए में बदल लूं तो 5 रुपए अनुपात है 800 पर, 1 रुपए में 100 पैसा, तो 800 पैसे में कितना रुपया, 5 रुपया, तो क्या हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। अब बताइए रुपया रुपया कैंसिल, तो 5/8 क्या गया, 5/8 क्या हो गया, 8 हो गया, यानी कि अगर 1 रुपए में 100 पैसा है तो 800 पैसे में 8 रुपया होगा, यानी कि ये हमने बताना चाहा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए क्लियर करते हैं और थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और सब बेसिक चीज़ें हैं। आज की क्लास सिर्फ
बेसिक के नाम, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर जीरो आज की क्लास है, आधे घंटे का वीडियो रहेगा, आधे घंटे में मैं पूरा बेसिक बता दूंगा, ठीक है। चलिए 200 मीटर का 5 किलोमीटर से अनुपात बताइए। अब बताइए 200 क्या है, मीटर है, इसका अनुपात बनाना है किससे, 5 किलोमीटर से। अब बताइए हम मीटर को किलोमीटर से कभी कंपेयर कर सकते हैं, नहीं, कंपेयर तभी कर सकते हैं जब सेम यूनिट के हों। अब बताइए मीटर को किलोमीटर में बदलना आसान है, है बदल सकता है बदल सकता है, लेकिन किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं। अभी यूनिट कन्वर्जन आपको लाए हैं, पढ़ाएंगे यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, अभी दिखाते हैं आपको। अब बताइए अब मीटर को या किलोमीटर को, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5000 मीटर, 5000 मीटर। तो बताइए यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर कर दो, सेम यूनिट में हो जाएगा, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं, यस तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 200 मीटर ये हो गया अनुपात है, 5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं क्या, 5000 मीटर। अब बताइए मीटर से मीटर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 और ये 25, 1 अनुपात 25 आ गया, यस इसका अनुपात ये आ जाएगा हमारा आंसर, समझे कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 400 मिनट का 5 घंटे का अनुपात क्या होगा, बताइए 400 मिनट का 5 घंटे का अनुपात क्या होगा। अब बताइए यह है मिनट, यह है घंटा, क्या इनको हम सेम कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर ये टाइम है, सब क्या है, टाइम है ना, टाइम टाइम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। अब बताइए क्या है, 400 मिनट है, क्या है 400 मिनट, इसका अनुपात निकालना है किससे, 5 घंटे से, 400 मिनट है 5 घंटे से क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो चलिए मिनट मिनट बनाना होगा या घंटा घंटा बनाना होगा, तो जो आपको अच्छा लगे वो करिए, तो हम चलिए मिनट को बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है 400 मिनट दिया है, अनुपाते मिनट और अनुपाते 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 5 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 300 मिनट, तो यहाँ बना देंगे कितना, 300 मिनट। अब बताइए मिनट मिनट कैंसिल, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो 4 अनुपात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हमारे आंसर आ जाएगा, समझ रहे नहीं। तो इस तरह से हम लोगों को करना है, ठीक है। अब आ गया, अभी तक तो चलो सर ठीक लग रहा था, अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका आ गया 20 डेका मीटर और 3 सेंटीमीटर का अनुपात, अब क्या करेंगे, अब तो आप फंस गए, क्योंकि अब आपको डेका मिली ये सब तो पता ही नहीं है, तो चलिए उसको भी आज डिवीजन कर लेते हैं। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्या, यूनिट कन्वर्जन, क्या लाए हैं, यूनिट कन्वर्जन, इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा पूरे गणित में, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं आएगा, आप क्वेश्चन कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे, अंत में जा करके फंस जाएंगे और गलत करके चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप एक भी क्वेश्चन न गलत करके आएँ और सारा का सारा क्वेश्चन सही करके आएँ, ठीक। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यूनिट कन्वर्जन, तो देखिए यूनिट कन्वर्जन होता क्या है इसको पहले देखते हैं, ठीक। तो आपको एक कुछ पॉइंट है याद करना होगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्या मैंने बोला, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपको याद होना होगा। तो अच्छा, मीटर की जगह हम लीटर भी बना सकते हैं, कैसे, किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, बना सकते हैं, यस। अगर हमको किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाना होगा तो क्या करना होगा, 10 से गुणा करना होगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर हेक्टोमीटर से हमको अगर डेसीमीटर पे जाना होगा तो क्या करना होगा, 10 से गुणा करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना हो तो 10 से गुणा करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना हो तो 10 से गुणा करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना हो गुणा करना होगा, यहाँ से यहाँ होना तो गुणा करना पड़ेगा, यही चीज़ हमने दिखाया। अगर आप किलोमीटर से कहाँ गए, हेक्टोमीटर पे गए, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, यानी कि अगर आप 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ आप पहुँच जाएंगे, फिर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाना है 10 से गुणा करना, यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 से गुणा करना, यहाँ से यहाँ जाना है 10 से गुणा करना, यहाँ से यहाँ जाना है 10 से गुणा, यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 से गुणा करना ही पड़ेगा। अगर मुझे किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर तक, तो यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कितना गुणा करेंगे, 10 10 10, यानी 10 × 10 × 10 कितना हो गया, 1000, यानी 1 किलोमीटर में कितना जाएगा, 1000 मीटर आ जाएगा। ऐसे यूनिट आपको बनाना पड़ेगा और ये दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये याद करना होगा। और
लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। देखिए कैसे, अब देखिए, अब राइट टू क्या जा रहे हैं, लेफ्ट, तो क्या हुआ, डिवाइड किया हूँ, ये क्या है, डिवाइड का सिंबल है। फिर यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ जाना है तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे बोलूँ एक मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे तो क्या करेंगे, एक बटे दस। अगर मैं आपसे बोलूँ एक मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे तो दस गुणे दस कितना हो जाएगा, सौ, यानी एक बटे सौ, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक बटे सौ को क्या बोल सकते हैं हम, क्या, टेन के पावर माइनस टू, यानी कि वन मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, तो हम बोल सकते हैं क्या, टेन के पावर माइनस टू डेसी डेका मीटर, सॉरी किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, डेसी मीटर, समझे कि नहीं। अब मैंने आपसे बोला कि एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, अब बताओ सेंटीमीटर से कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, अब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वन सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन, टेन मीटर तक जाना है तो किससे, दस गुणे दस यानी एक बटे सौ, यानी कि टेन के पावर माइनस टू मीटर, समझ गए, ये होता है यूनिट कन्वर्जन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सारा का सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये आप बेसिक क्लासेस में आप कक्षा छः सात आठ नौ में अच्छे से पढ़ भी चुके थे, और आज रिवीजन हो चुका है आपका, ठीक। इसी को लेकर के हम क्वेश्चन ले आए एक दो ठो, आराम से सीख लेंगे, आपको कुछ भी नहीं याद करना है, बस ये टेक्निक याद करना है, क्या, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर की जगह क्या कर दीजिए, लीटर, क्या बनेगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अगर मैं आपसे बोलूं एक मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, बताइए मिलीलीटर से कहाँ जाएंगे, लीटर, लीटर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब बताइए कहाँ से आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, अब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मल्टीप्लाई, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो डिवाइड। अब बताइए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, इसका मतलब एक मिलीमीटर में कितना मीटर होंगे, एक दस, एक दस, एक दस, कितने दस आए, तीन दस आया, यानी तीन दस में, यानी कि दस घाते माइनस तीन क्या आएगा, लीटर। क्यों, क्योंकि हम मीटर की जगह क्या बोल दिए, लीटर बोल दिए, मीटर की जगह क्या बोल दें, लीटर, 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 तो ये केवल में दस घाते माइनस तीन लीटर आते हैं, समझ में। ये है आपका यूनिट कन्वर्जन, जो कि हमने बहुत ही वीआईपी ढंग से काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ हैं उसको दिखाते हैं आप लोगों को। पहला क्या है क्वेश्चन, ऊपर देखिए, 20 डेका मीटर और 3 सेंटीमीटर का अनुपात क्या है, 20 डेका मीटर का अनुपात किससे निकालना है, 3 सेंटीमीटर से। अब बताइए डेका मीटर को डेका मीटर पर बदलिए या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बदलिए, बोलिए ना, हाँ या ना, क्योंकि इनको सेम यूनिट में करेंगे तभी क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं, तभी हम रेशियो बना सकते हैं, वरना रेशियो नहीं बनेगा। तो करना क्या होगा, इस डेसीमीटर को डेकामीटर, सॉरी डेकामीटर को हमको किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर में, या इस सेंटीमीटर को हमको बदलना होगा डेकामीटर में। तो आपको यूनिट कन्वर्जन अभी हमने पढ़ाया क्या, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये बताया था, बताया ना। तो बताइए हमको किसको बदलना है, डेकामीटर को किस में, सेंटीमीटर में अगर बदलो तो कहाँ है हमारा, डेकामीटर यहाँ है और सेंटीमीटर कहाँ, यहाँ है। तो बताओ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक गए, दो गए, तीन गए, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वन डेकामीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दस, 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 तो क्या हो जाएगा, दस घाते तीन कितना सेंटीमीटर, वन डेकामीटर इक्वल टू दस घाते तीन सेंटीमीटर, ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए यहाँ रख देते हैं, तो दो बीस गुणे दस घाते तीन अनुपाते तीन, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा, दो जीरो जीरो तीन एक चार, चार जीरो आएंगे अनुपाते तीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे कि नहीं। आपको ये आना चाहिए, ये एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अभी आपका कॉन्सेप्ट नंबर जब वन पढ़ाऊँगा तब आपका और अच्छे से लगेगा कि हाँ वाकई में मैं
कुछ पढ़ाने मजा आ गया, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें प्रूफ होती हैं, जान लीजिए। अगर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें प्रूफ करना हो, सॉल्व करना हो, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर करना होगा। तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए हम कॉन्सेप्ट नंबर 0 आज हम लेक्चर नंबर 1 अनुपात और समानुपात का लेके आए हैं, और आप इसको सीख करके जरूर जाइए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 लीटर और 200 मिलीलीटर का अनुपात, 8 लीटर और 200 मिलीलीटर का अनुपात। अब बताइए इसका कैसे करें। तो हमने आपको बताया किलोलीटर, हेक्टोलीटर, किलो हेक्टो डेका, डेका लीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर, यही बताया था। अब हमको बनाना है क्या, लीटर को मिलीलीटर बदल लीजिए, सबको मिलीलीटर मिलीलीटर बना लीजिए, या ये लीटर है तो इसको लीटर तो लीटर लीटर में बना लीजिए। अब बताइए आपको करना क्या आसान है, मिलीलीटर को लीटर बदलना आसान है कि लीटर को मिलीलीटर बदलना आसान है। तो लीटर कहाँ है, पकड़िए कहाँ लीटर है, ये यहाँ है लीटर, लीटर पकड़ लिया। अब लीटर को पकड़ा तो लीटर को किस में बदलना है, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर कहाँ है, यहाँ है ना। अगर मैं लीटर को मिलीलीटर में बदलूंगा तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड। तो चलिए बता देते हैं। अब बताइए लेफ्ट टू अगर मैं राइट गया हूं तो कितना आगे गया हूं, 1, 2, 3, यानी कि 10, 10, 10, यानी 10^3, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, 8 लीटर को, 1 लीटर को हम 10^3 मिलीलीटर बोल सकते हैं, यस या नो, बोल सकते हैं। ये टेक्निक याद होगा तो कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 10^3 मिली लीटर, और ये क्या है 200 मिली लीटर है। तो मिली लीटर मिली लीटर कैंसिल, तो बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 3, 0, क्योंकि क्या है 10^3 है, 3 0 हो गए, यहाँ क्या है 200, जो 0 दो 0 कैंसिल, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 40, यानी कि 40 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यूनिट कन्वर्जन भी समझ में आ गया होगा, अनुपात निकालते कैसे हैं सब समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 20 किलोमीटर का 200 मीटर से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 20 किलोमीटर का 200 मीटर से अनुपात क्या होगा, इसको देखते हैं। बताइए क्या होगा 20 किलोमीटर का 200 मीटर से अनुपात क्या होगा। तो हमने क्या लिखा, 20 किलोमीटर इसका अनुपात निकालना है किससे, 200 मीटर से, ठीक है। 20 किलोमीटर को 200 मीटर से अनुपात निकालना है, ठीक है। अब बताइए किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 20 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 20,000 मीटर हो जाएंगे। अब इसका अनुपात निकालना है किससे, 200 मीटर से, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 = 2 और 2 1 = 2 0, तो क्या आएगा 100 अनुपात 1 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो छोटी मोटी एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, अनुपात पूछ लेता है, समझ रहे हैं। तो ये आप छोटी छोटी गलती ना करिए, क्यों, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन अगर नहीं आएगा तो आप छोटी छोटी गलती कर जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गए हैं आप, ठीक। तो चलिए देखते हैं आप समानुपात, समानुपात फिर आ देखिए मैं क्या क्या लाया हूँ, विलोमानुपात, फिर क्या लिया हूँ डुप्लीकेट रेशियो, फिर क्या लिया हूँ ट्रिपलेट रेशियो, फिर क्या लिया हूँ सबक्लुमिनगेट, फिर कंपोनेंट इंडिवेंडो, कंपाउंड रेशियो और मिक्स रेशियो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ख़त्म। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर क्या था, 0 था, इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे क्या समानुपात क्या होता है, समानुपात, एक मिनट थोड़ा सा गर्मी, आइए देखते हैं समानुपात क्या होता है, ठीक। समानुपात को जैसे ही आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक और कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बोला ए और बी को मैंने कंपेयर किया, ठीक है। अब रेशियो क्या क्या हो सकते हैं, अनुपात तो हमने बताया सेम यूनिट होने चाहिए, इनका मात्रक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मात्रक होते भी नहीं और सेम यूनिट से कंपेयर करना ही चाहिए, ठीक है, ये हमने बताया। और मैंने क्या बताना चाहता हूँ कि ए और बी का जैसे मैंने बोला 2 और 3 अनुपात है, तो ये इसका क्या हो गया, ये जनरल रेशियो हो गया, जनरल क्या हो गया, रेशियो हो गया,
यानी इस रेशियो में होगा तभी हम बोलेंगे कि यह क्या है, एक सही अनुपात में है। ठीक है, क्या होना चाहिए, ए और बी का एचसीएफ क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि यह क्या है, एक जनरल रेशियो है, यानी कि एक सामान्य अनुपात है। अगर इसको सामान्य अनुपात में बनाना हो, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाना हो, जिसको बोलते हैं क्या, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, यानी कि अनुपात को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाना होगा। और शॉर्टेस्ट फॉर्म में तभी हम बना सकते हैं जब इन दोनों संख्याओं को जिनको हम कंपेयर करते हैं, इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, या कहने का मतलब ए और बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, सहअभाज होने चाहिए, ए और बी कैसे होने चाहिए, सहअभाज होने चाहिए। अगर आपका ए और बी सहअभाज हैं, दो संख्याओं का अनुपात अगर सहअभाज हैं, इसका मतलब वो क्या है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। समझे कि नहीं? तो अगर मैं बताइए, इसका अनुपात मैं कुछ भी बना सकता हूं, अगर मैं इसमें दो का गुणा कर दूं, बताइए दो का गुणा करूंगा तो इधर भी दो का गुणा होगा, तो दो दिन कितना हो जाएगा, चार, चार अनुपात क्या हो जाएगा, छः। अगर मैं इसमें तीन का गुणा कर दूं तो इधर भी तीन का गुणा हो जाएगा, तो क्या अनुपात बन जाएगा, तीन दूनी छः और तीन तिक्का नौ, छः अनुपात नौ हो जाएगा। अगर मैं इसमें एक्स का गुणा कर दूं तो इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा टू एक्स अनुपातें थ्री एक्स, यानी कि ये कई मान इसके हो सकते हैं, ए और बी के इस रेशियो में ऐसे कई मान हो सकते हैं जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो अगला वैल्यू होता जाएगा, यानी कि ए और बी की यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर मुझे फिक्स करना है तो किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। जैसा कि हम इसको आगे हम क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चन को दिखाएंगे कि बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। और आप जानते हैं हमारा एक आदत है, हम बेसिक से तो समझाते हैं और बेसिक से आपको क्लियर कराएंगे, लेकिन हमारा जो अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, स्मार्ट मेथड। ठीक, तो स्मार्ट मेथड से भी हम आपको पूरे अंक गणित में और रेशियो जो हम पढ़े हैं, क्या रेशियो पढ़ रहे हैं, अनुपात पढ़ रहे हैं, इस अनुपात में एक भी सूत्र का यूज नहीं करेंगे और झकास तरीके से आराम से इसको पूरे तरीके से कर लेंगे। समझे कि नहीं? तो लगे रहिए और बने रहिए, आपको ये एक्स वाई बना करके सॉल्व नहीं करना दिखाऊंगा, आपको एक दूसरा स्मार्ट तरीका दिखाऊंगा कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। और जिसके लाइफ में एक्स आ गया तो समझ लो जी कि वो टाइम उसका बर्बाद हो गया। तो आप अपनी मैथ में एक्स नहीं लाना है आपको, ना मुझे लाना है, ना आपको लाना है। ठीक है, तो एक्स अगर आ गया तो समझ लीजिए कि टाइम बर्बाद हुआ। तो हम एक्स लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम कुछ और मेथड लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, स्मार्ट मेथड, बिना फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और भी मैं एक्स ही नहीं, और भी मैं कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या वाई से मल्टीप्लाई करूं, तो इधर भी क्या होगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब यह है, तो क्या हो जाएगा, ये टू वाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, थ्री वाई हो जाएगा। क्या मैंने बताना चाहा, एकदम बेसिक से बेसिक मैंने आपको दिखाया क्या कैसे होता है, अब इससे भी बेसिक नहीं हो सकता जितना मैंने आपको दिखाया हूँ बेसिक। ठीक है, हो सकता है तो बस अपनी बातों को थोड़ी दूसरी बातों से रिलेट करूंगा, और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी जो कहना चाहता था वो मैंने कह दिया आपको, रेशियो क्या होता है, इस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में होगा तो क्या होगा, और भी कितने फॉर्म हो सकते हैं, इसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, और फिक्स वैल्यू हो जाती है तो क्या करते हैं, तब कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आया समझ में? तो इतना आपको समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लीन करते हैं। और भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा लिखा दो अनुपात है, रेशियो है क्या, ए अनुपात है बी, यानी ए अगर बी है, किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात हो, किसी भी अनुपात में कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो इस पे इसके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ए एक्स बटे बी एक्स, ए एक्स बटे बी एक्स। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि रेशियो का प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलता है कि अनुपात के अंश और हर, ऊपर वाला क्या होता है हमारा अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हर होता है। ठीक है, अंश को क्या बोलते हैं नॉमिनेटर और हर को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर भी क्या होता है एक अनुपात होता है, अंश बटे हर लिखते हैं ये भी क्या होता है अनुपात होता है। और जब भी किसी को किसी से कंपेयर किया जाता है तो हमेशा नीचे वाला है नीचे आता है, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आएगा और जिसको कंपेयर करते हैं वो ऊपर रहेगा। अगर मैं ए को बी से कंपेयर कर रहा हूँ तो ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, पूरे अंक गणित में काम आएगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, पहला प्रॉपर्टी क्या कि किसी अनुपात में, किसी अनुपात के अंश और हर में किसी नंबर से सेम नंबर से गुणा करते हैं तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो रहेगा वो तो वहीं के वहीं रहेगा।
चाहे हम मल्टीप्लाई करें चाहे हम डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हम इन्हीं तरीकों को तो यूज करके आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये छोटी छोटी पॉइंट जो हमने बताया हो ये आपको दिमाग में रखना होगा, यानी कि किसी भी अनुपात के अंश तथा हर में किसी भी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं चाहे डिवाइड करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चाहूं तो डिवाइड करके आपको दिखा सकता हूं, ए बटे बी है। अगर इसमें मैं वाई से डिवाइड कर दिया, किससे वाई से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन सकता है आपका, वाई डिवाइड बाई वाई क्या बनेगा, ए बटे वाई। और क्या बन सकता है आपका, चलिए यही कलर लेते हैं, ए बटे वाई और बटे बी बटे वाई, यही बनेगा। क्या किया हूँ मैंने, वाई से डिवाइड किया हूँ, ए को वाई से डिवाइड किया, बी से वाई, बी को वाई से डिवाइड किया, तो बनता क्या है आपका। एक टेक्निक और पता होना चाहिए, जब आपका अंश भी फ्रैक्शन में हो और हर भी फ्रैक्शन में हो, तब आपको कैसे करना होगा, आपको अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा कर लेना है, ठीक है। जब अंदर अंदर बाहर बाहर को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू वाई हो जाएगा और बी इंटू वाई हो जाएगा, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, वही वही जो आपका पहले था, ए बटे बी। समझ रहे हैं। तो आपको क्या बताना चाहा कि किसी भी अनुपात में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आपको दिखाना चाहता था, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं क्या समान अनुपात क्या होता है, ठीक, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर वन में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर वन में इसका हम यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला ए बी के अनुपात में है। समान अनुपात का मतलब होता है इस तरह से सिंबल होता है, ये सिंबल आपको बताता है क्या कि ये समान अनुपात में है, समान अनुपात में है सर। तो समानुपात बोलिए से या समान अनुपात में बात एक हुआ, इसको मैंने बोल दिया सी डी से क्या है, समान अनुपात में है। ये बताता है क्या, ये सिंबल बताता है क्या अनुपात, ये सिंबल बताता है अनुपात। और इस तरह से चार बिंदु आपको दिख गई तो आप समझ जाइए कि क्या है, ये समान अनुपात में है। आपको रीजनिंग में ऐसे बहुत दिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ का ही कॉन्सेप्ट उसमें लगा के सॉल्व कर दीजिए, कभी मत करिएगा। वहाँ रीजनिंग का ऐसे लिखेगा तो मतलब कुछ और होता है, यहाँ मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ में इसका मतलब समानुपात होता है, समझ गए। तो देखिए समानुपात होता है समान अनुपात में हो, अगर ये अनुपात और ये अनुपात क्या हो, समान होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है ए बटे बी बराबर होगा क्या सी बटे डी के, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनुपात और ये अनुपात क्या है, आपस में समान अनुपात में है, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शनल। ये किसका सिंबल है, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है, और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सिंबल जब भी दिखेंगे आपको यही टेक्निक लगा के सॉल्व करना होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, विलोमानुपात। अब कभी कभी आ जाता है विलोमानुपात, कभी कभी आ जाता है वर्गानुपात, ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए छोटी छोटी बात, इनवर्स रेशियो, जिसको हम बोलते हैं क्या, इनवर्स रेशियो। जैसे हमने बोला ए और बी का विलोमानुपात क्या होगा, विलोम मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, वन अपान ए, इसका उल्टा करिए वन अपान बी। अब इस तरह से आपको जब भी दिखेगा तो क्या करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी कि बी अनुपात क्या हो जाएगा ए, यानी कि ए और बी का विलोम अनुपात क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। विलोम मतलब हो गया इसका जस्ट उल्टा। अगर यहाँ पे आपको दो नंबर का कंपेयर किया जा रहा है, जरूरी नहीं कि आपको दो ही नंबर से कंपेयर किया जाए, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ दो ही वस्तुओं से कंपेयर किया जाए, कंपेयर आपका दो तीन चार पाँच दो से अधिक वस्तुओं से भी कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे बोलूं ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तीन वस्तुएं हैं समान यूनिट में हैं, इनको हमने कंपेयर किया। अब मैं आपसे पूछूं इनका विलोम अनुपात क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, वन अपान ए अनुपाते वन अपान बी अनुपाते वन अपान सी, ये बना लेंगे। और इस तरह से बनाने के बाद आप इसको एक जनरल फॉर्म में बनाएंगे, और जनरल फॉर्म में जैसे ही बनाएंगे आपका अनुपात निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ए बी सी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब बताइए ए बी सी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ए बी सी का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी आएगा, आएगा। अब ए बी सी आएगा तो ए बी सी को जब ए से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा। अब ए बी सी को जब बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ए मिलेगा। ए बी सी को जब सी से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो सब के साथ क्या मिलेगा, बी सी बटे ए बी सी, बी सी बटे ए बी सी, बी सी बटे ए बी सी। अगर किसी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुए हैं तो उस सेम नंबर को हम हटा सकते हैं, बाकी जो बचे नंबर क्या बचा हमारा, क्या बी सी अनुपाते सी ए अनुपाते ए बी, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर तीन रेशियो दिए हों उनका इनवर्स रेशियो निकालना हो तो क्या टेक्निक है,
कि क्या करिए, इसमें किसकी कमी है, बी ओ सी की, तो बी सी बना लीजिए। इसमें किसकी कमी है, ए ओ सी की, ए सी बना लीजिए। इसमें किसकी कमी है, ए ओ बी की, ए बी बना लीजिए। आपका इन्वर्स रेशियो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपको करूँ जैसे मैंने बोला, 2, 3, 4 का विलोमानुपात ज्ञात करिए। क्या विलोमानुपात ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे, इसमें किसकी कमी है, 4 तिहाई 12 की। इसमें किसी में कमी है, 2 चौके 8 की। इसमें कितने कमी है, 2 तिहाई 6 की। 12 8 6, या आप चाहिए तो इसको 6 कर दीजिए, आधा कर लीजिए, इसको आधा, इसको 3, तो 6 4 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर आपको ये टेक्निक नहीं लगाना है तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्या 2 3 4, तो क्या कर लेंगे, 1/2, 1/3, 1/4, जो हमने तरीका बताया, 2 3 4 का एलसीएम लीजिए और करते रहिए, आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा रेशियो, वहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको हम लोगों ने, आपको हमने क्या क्या सिखाया कि विलोम अनुपात क्या होता है। अब आइए आपको सिखाते हैं क्या वर्गानुपात क्या होता है। वर्ग मतलब क्या हुआ कि जैसे ए अनुपात बी है, इसका वर्गानुपात निकालूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको सीखना होगा। हमारे काउंसिल नंबर 0 में आप आए हैं, आपको ये समझ के यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको अंक गणित बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ। इसीलिए मैं काउंसिल नंबर 0 लेके आया हूँ, जो कभी जल्दी में कोई टीचर लाता नहीं है, और मैं लेके आया हूँ क्यों, क्योंकि हमारे भाई और बहनें लोग बहुत ही मैथ में क्या हैं, वीक हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता मैथ, उनके लिए हमारा ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब जैसे मैंने बोला ए और बी का अनुपात मैंने बोल दिया 2 3, इसका मैंने पूछा है आपसे वर्गानुपात क्या होगा, तो 2 का वर्ग हो गया क्या 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 4 अनुपात हो जाएगा 9। अगर मैं बोलूं 3 अनुपात 5 का वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 अनुपात कितना हो जाएगा 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको वर्गानुपात निकालना है तो ये दिमाग में रखना होगा, इन सभी का वर्ग कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, क्या घनानुपात। ठीक है, अब क्या है घनानुपात, घन यानी ट्रिपलेट रेशियो, यानी कि क्या करना है, ए और बी का घनानुपात निकालने का मतलब यह हुआ, ए को क्यूब करिए और बी को क्यूब करिए, इसका मतलब ये होगा घनानुपात। यानी कि अगर 2 अनुपात 3 का घनानुपात निकालना है तो 2 का क्यूब करिए और 3 का क्यूब करिए, 2 तिहाई 2 दुनी 4 दुनी 8 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करें, 3 3 9 3 27 आएगा, 8 अनुपात 27 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको दिमाग में रखना होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, अब क्या है आपका घनामूलानुपात। घनमूलानुपात में क्या होगा, जैसे मैंने बोला ए और बी का घनमूलानुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे, ये क्यूब रूट ले लेंगे ए का, और बी का भी क्यूब रूट ले लेंगे, आपका घनमूलानुपात आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला 8 अनुपात 27 का घनमूलानुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब रूट लेंगे और 27 का क्यूब रूट लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2 आएगा, और 27 का क्या आ जाएगा 2 अनुपात 3 आ जाएगा, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको पहचान में और समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये तो क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है, युगांतरानुपात। युगांतरानुपात, ठीक, अब एक होता है वर्गमूलानुपात, छूट गया है वर्गमूलानुपात, इसको देख लीजिए, स्क्वायर रेशियो यानी कि स्क्वायर रूट रेशियो, यानी कि जैसे मैंने बोला ए अनुपात बी, इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी। अगर मैं बोलूं 4 और 9 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 4 अनुपात अंडर रूट 9, 4 का क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये होता है वर्गमूलानुपात। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है युगांतरानुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन को धड़ल्ले से सॉल्व कर देता है, आपको दिखाऊंगा, आप कहीं पर भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा और ये नंबर सिस्टम, कितना भी बड़ी बड़ी समीकरण हो, आप कॉम्पोनेंटो डिवेंडो लगाइए और चुटकियों में आंसर पाइए। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए युगांतरानुपात होता क्या है। चलिए युगांतरानुपात को पहले हम प्रूफ करते हैं, कहाँ से आया कैसे आया ये देखते हैं। अब जैसे ए बटे बी बराबर है किसके, सी बटे डी से, मैंने इसको समान अनुपात में बना लिया, अभी आपको समान अनुपात बढ़ाया था, ये क्या है ए बटे बी जो है समान अनुपात में है किसके, सी बटे डी के, तो ये समान अनुपात में है। तो अगर ये समान अनुपात में है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इधर एक जोड़ दूँ इधर भी एक जोड़ दूँ तो क्या बनेगा, ए प्लस बी बटे क्या बनेगा बी, इधर बनूँ तो सी प्लस डी बटे क्या बनेगा डी बनेगा, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया।
अब फिर एक काम और कर सकता हूँ, जोड़ लिया तो चलिए घटा के देख लेते हैं। तो चलिए घटाते हैं, ए बटे बी था बराबर क्या था, सी बटे डी था। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, माइनस वन करेंगे, ठीक है। तो चलिए माइनस वन कर लिया, यहाँ भी क्या कर लिया, माइनस वन कर लिया। अब माइनस वन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए माइनस बी बटे बी बराबर क्या आएगा, सी माइनस डी बटे डी। इसको समीकरण नंबर दो ले लेते हैं, समझ रहे नहीं। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण एक को दो से डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, समीकरण एक को दो से डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, तो ए प्लस बी बटे क्या है, बी है। अब डिवाइड में ए माइनस बी बटे क्या है, बी है बराबर सी प्लस डी बटे क्या है, डी है बटे में सी माइनस डी बटे क्या है, डी है। अब डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, आपको हमने सिखाया था अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा। जब अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो यानी a प्लस बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से, और a माइनस डी किसके, a माइनस बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे क्या आएगा, c प्लस डी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, d से, और c माइनस डी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, d से। तो देखा जाए तो ये b से b कैंसिल, d से d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो क्या मिला आपको, a प्लस बी बटे ए माइनस बी, सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। क्या किया हूँ, समान अनुपात में कोई नंबर लिया उसको एक बार जोड़ा, समीकरण एक बनाया, समीकरण एक बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया, उनको समान अनुपात को एक बार घटाया तो समीकरण दो बनाया, दोनों को डिवाइड किया तो हमको एक नया रिजल्ट मिला। इट दैट इज रिजल्ट क्या होता है, यही रिजल्ट क्या होता है, युगांतरानुपात। पहले योग लीजिए फिर अंतर, योग अंतर, योग अंतर, योग अंतर का अनुपात, योग अंतर का अनुपात, इसी को बोलते हैं क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो रेशियो, इसी को शॉर्टकट में कुछ लोग बोलते हैं सी एंड डी रूल, समझे, सी एंड डी रूल, सी एंड डी रेशियो रूल, ठीक। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा तो मैं इसको एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, क्या ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, पहले क्या लिखा, योग निकाला, फिर क्या निकालोगा, अंतर, तो अब क्या निकालोगा, इनका अंतर, और क्या होना चाहिए, ये समान अनुपात में होने चाहिए, यानी कि सी प्लस डी और क्या हो जाएगा, सी माइनस डी। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, समझ गए। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, x बटे वाई बराबर दे दिया 2/3, या मैं दे दूं कितना, 5/3, x बटे वाई बराबर 5/3 दे दिया। अब आपसे पूछूं क्या दे दूं, x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, युगांतरानुपात इसमें लगा दीजिए, युगांतरानुपात। देखो दो दो रेशियो आपस में क्या है, समान अनुपात में है, ये रेशियो समान अनुपात में है, हम इन पर योगांतरानुपात लगा सकते हैं, सी एंड डी रूल लगाएंगे। सी एंड डी रूल क्या बोलता है, कंपोनेंटो डिवेंडो, यानी कि एक बार उनको जोड़िए एक बार उनको घटाइए। अच्छा चलिए इनको एक बार जोड़ते हैं, अंश और हर को जोड़िए, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इनको एक बार घटाइए तो क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब एक्स प्लस वाई करूँगा तो 5/3 कितना हो जाएगा, 8, और 5 में से 3 घटाएं कितना आएगा, 2, कितना आ जाएगा, 4, यानी कि एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। देखिए कितना जल्दी आया, समझ गए, यही चीज़ होता है युगांतरानुपात। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा युगांतरानुपात, और बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे और धड़ल्ले से आंसर पाएंगे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, जटिल अनुपात और मिश्रित अनुपात। ये जटिल और मिश्रित दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैं जटिल को लाया तो देखा तो मिश्रित भी होना चाहिए, तो मिश्रित भी हमने लिख दिया, और आपके क्वेश्चन इस पे बने भी हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने बोला क्या, ए अनुपाते बी और बी सी अनुपाते डी का मिश्रित अनुपात निकालिए, सॉरी, या जटिल निकालिए या मिश्रित निकालिए, दोनों क्या है, सेम है। तो जटिल अनुपात इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड मतलब होता है मिक्स करके, और मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिक्स रेशियो। कंपाउंड रेशियो, मिक्स रेशियो में कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज़ सेम ही है। आप कहेंगे सर इसमें हेडिंग क्यों लेके आए, इट्स माई फॉल्ट, ठीक। तो क्या करेंगे, इनका मिक्स अनुपात निकालना है, तो मिक्स अनुपात क्या होता है, यानी कि इनको मिक्स कर दीजिए, और मिक्स कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके, यानी कि ए को बी सी से और बी को डी से, यानी क्या जाएगा, ए सी अनुपात क्या जाएगा, बी डी। इसी को बोलते हैं क्या, मिश्रित अनुपात या कंपाउंड रेशियो। क्या मैंने बताया, ए को सी से मल्टीप्लाई करिए और बी को डी से मल्टीप्लाई करिए, आपका बन जाएगा क्या, मिश्रित अनुपात बन जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन लेके बोलूँ, क्या क्वेश्चन बोलूँ, कि 2/3 तथा 4/5 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए,
मिश्रित बोल ले या जटिल अनुपात पूछ ले या कंपाउंड रेशियो पूछ ले या मिक्स रेशियो पूछ ले, इनमें से कोई भी चीज पूछ ले, करना क्या है आपको, दो क्वेश्चन है और दो रेशियो हैं, इनका मिश्रित अनुपात निकालना हो तो आपको क्या बताया हूँ, अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा कर दीजिए, आपका चार दुनिया कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और पांच कितना हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा, आठ अनुपात पंद्रह आपका आंसर आ जाएगा। क्या इन दोनों का एस सी एफ एक है, हाँ या ना, एक है, इसलिए ये क्या है, हमारा अनुपात है। अगर इसको और शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया जा सकता तो करते हैं, नहीं किया जा सकता है इसलिए नहीं किया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ तक कि आज का कॉन्सेप्ट नंबर जीरो आपका क्या है, ख़त्म है। तो कॉन्सेप्ट नंबर जीरो हमने आपको बता डाला और सारे कॉन्सेप्ट दिखाया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर वन के साथ, और काफ़ी अच्छा चीज़ पढ़ाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मध्यानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं CHSL, CGL, EMTS, जो कुछ भी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर वन जो हमारे आने वाला है इसी टॉपिक पे आने वाला है, और इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपको एक नंबर अपना फिक्स करना है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट के साथ विदा करते हैं, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।